हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी फाइंडर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन प्लस 9R के लिए सबसे अच्छा कवर कौन सा रहेगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम वन प्लस के कवर के बारे में आपको बता रहे थे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक कवर जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वन प्लस 9R का जो ऑफिशियल कवर है, जो इन द बक्स था। तो इस कवर में सब ठीक है, अच्छा है सिलिकॉन का, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस कवर की वो ये है कि ये बाद में पीला पड़ जाता है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कवर है ये पीला पड़ जाता है। आप देख भी सकते हैं इस वीडियो में कि ये देखो, आपको यहाँ पर पीला पीला नज़र आ रहा है। तो ये मतलब इतना अच्छा, 2-6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद तो ये जो है ये बिल्कुल ही पीला पड़ जाता है। तो इसलिए इस कवर को तो आप ज़्यादा देर तो नहीं लगा सकते फ़ोन के साथ। अब हम नेक्स्ट जो कवर है उसकी बात करने जा रहे हैं। ये कवर है तो गाइस, ये जो कवर है ये दिखने में ठीक है, प्रोटेक्शन जो है वो भी कुछ हद तक प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि इसके जो बटन्स, ये जो दिए हुए बटन्स वगैरह, ये कितने ही बेकार किस्म के हैं, कोई ज़रा सी भी इसमें क्वालिटी वाली बात नहीं है। तो साथ में जब हम इसको फ़ोन के साथ लगाते हैं तो फ़ोन की जो लुक है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। अभी आपको मैं लगा के ही बताता हूँ। तो ये देखिए गाइस, देखो कि आप फ़ोन कैसा दिख रहा है। ओवरऑल फ़ोन की जो लुक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात, जो इसमें मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो भी इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जो प्लास्टिक है वो भी बड़ी बेकार किस्म का है, काफ़ी हार्ड है। तो ये मेरे ख्याल से फ़ोन को निकालने में या लगाने में भी स्क्रैचेस जो है वो डाल सकता है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप इस कवर को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो काफ़ी हार्ड है और ब्रिटल किस्म का है, तो ये टूट भी सकता है आसानी के साथ अगर इनकेस फ़ोन आपके हैंड से गिर जाता है। तो इस कवर का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास जो तीसरा कवर है। ये जो कवर है ये वन प्लस 9R का ऑफिशियल कवर है। ये वन प्लस 9R का ऑफिशियल कवर है जो मैंने वन प्लस की वेबसाइट से परचेज़ किया था। तो ये कवर जो है ये काफ़ी अच्छा कवर है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये है कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है इसमें जब हम उसको फ़ोन के साथ लगाते हैं। तो अभी मैं आपको इसको फ़ोन के साथ लगा के भी बता सकता हूँ कि ये कैसा लगता है हमारा फ़ोन जब इसको हम फ़ोन के साथ लगाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फ़ोन कुछ इस किस्म का आप दिखने में लगेगा। ये हमारा जो है ये ऑफिशियल कवर है वन प्लस की तरफ से। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अपने फ़ोन के लिए कवर चाहिए तो आप ये कवर वन प्लस की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम फील होता है इन हैंड। तो फ़ोन की जो लुक है वो भी ख़राब नहीं होगी, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्रोटेक्शन भी अच्छी प्रोवाइड करता है क्योंकि काफ़ी हार्ड है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 1400। तो 1400 में आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो आप सिंपली वन प्लस की वेबसाइट पे जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 40,000 का फ़ोन लेंगे तो अगर आप उस पर कवर कोई ऐसे सिंपल सा लगा देंगे तो उससे आपके जो फ़ोन की लुक है वो भी ख़राब हो जाएगी और फ़ोन इतना अच्छा लगेगा भी नहीं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप प्लीज़ विज़िट करें वन प्लस की वेबसाइट, तो वहाँ से ये परचेज़ करें, काफ़ी अच्छा है और प्रीमियम कवर है। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।